हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर सोशल साइंस क्लास स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस पीरियड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डन चैप्टर फोर ऑफ़ डी क्लास सेवेंथ ऑफ सोशल साइंस एंड टुडे विल स्टार्ट विद हिस्ट्री पार्ट ऑफ द सेम बुक एंड वील डू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन वी हैड ऑलरेडी डन चैप्टर नाइन एंड टेन ओके जिसमें हमने चैप्टर नाइन में देखा था कि हाउ द मेडाइवल पीरियड बिगिन इन इंडिया और अगर हम लोग मेडाइवल पीरियड की बात करें तो इन इंडिया इट इज़ फ्रॉम एर्ट्थ टू एटींथ सेंचुरी ठीक है हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो मेडाइवल पीरियड है वो इंडिया में कब से कब तक काउंट होता है एटथ टू एटीन सेंचुरी जो है वो काउंट होता है ठीक है देन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर टेन हमने पढ़ा था अबाउट द स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के स्मॉल किंगडम्स कौन कौन से थे बेटा राष्ट्रकोटास प्रतिहाराज पालाज इन सब के बारे में हमने पढ़ा था उनके टाइम पे गवर्नमेंट सिस्टम क्या कैसा था आर्किटेक्चर कैसा था एजुकेशन ने किस तरीके से जो है ग्रो किया उनके टाइम पे दैट ऑल वी हैड डन सो टुडेज चैप्टर इज़ द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन साउथ इंडिया आज हम लोग जो है साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और साउथ इंडिया के जो मेन uh, किंगडम्स थे उनमें से दो के बारे में आप लोग अपने सिक्स क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो दो जार पलवस एंड चालुक्यास उनके बारे में जो है आप लोग सिक्स क्लास में पढ़ चुके हो आज जो है हम लोग नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे तो लेट्स बिगिन आवर टूडेज क्लास द मेडाइवल इरा ऑफ ऑफ द फाइव हंड्रेड ईयर्स दैट इज़ सेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सी ई सो सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन सदर्न इंडिया मैनी रीजनल किंगडम्स रोज इन फिल अशोक एडिक्स मैंशन थ्री मेन किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड पांड्याज एंड चेराज तो देखो कौन कौन से मेन किंगडम हैं साउथ इंडिया के जो हम लोग स्टडी करेंगे चोलाज पांड्याज एंड चेरास और इनके बारे में हमें और कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम अशोक एडिक्ट ठीक है अशोका के समय में जो भी जो रिटर्न हमें मिलता है वहाँ से भी हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इन द लेटर पीरियड द किंगडम्स ऑफ चालुक्यज एंड पल्लवाज तो इनके बारे में आप ऑलरेडी अपनी सिक्स क्लास में पढ़ चुके हो जो कि कहाँ पर थे कर्नाटका आंध्र एंड तमिलनाडु के एरिया में ये दोनों ही वंशी दोनों ही जो डायनेस्टीज थी चालुक्यस एंड and दे देवर स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट टाइम कर्नाटका आंध्र एंड तमिलनाडु द राष्ट्रकोटाज़ रूल ओवर द नदन पार्ट ऑफ द ड्यूरिंग दिस टाइम और इसी समय पे नदन पार्ट में जो है राष्ट्रकोटास राज कर रहे थे वो हम लोग जो है अपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर टेन में देख चुके हैं तो अगर हम लोग एरिया वाइज बात करते हैं बेटा एरिया वाइज आप देखेंगे यू कैन सी हेयर चोलास पांड्यास पल्लवास, चेरास एंड राष्ट्रकोटा जो कि थोड़ा नदन पार्ट में है नदन पार्ट में मतलब पेनिनसुलर प्लेटो के ये जो इंडिया का ये जो सदन पार्ट है ना बेटा दस वन दिस कम्प्लीट पार्ट इज कॉल्ड पेनेंसुलर प्लेटो या इसको हम लोग डेकन प्लेटो भी कहते हैं तो जो राष्ट्रकोटास थे वो राष्ट्रकोटास डेकन प्लेटो के नदन पार्ट में देवर रोलिंग ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग बेसिकली टू मेन डायनेस्टर्स के बारे में विल स्टडी दैट इज चोलास एंड पांड्याज तो लेट इज फर्स्ट बिगन विथ चोलास द बिगनिंग ऑफ द मेडाइवल पीरियड सॉ द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ़ द चोला एम्पायर द डिफिट द पलवा अब देखो हमने क्या किया था कि उनसे पहले जो है पलवाज और चालुक्याज ऑलरेडी वहाँ पर थे और वो तमिलनाडु आंध्रा ये एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था तो चोलाज ने क्या किया तंध्र प्रदेश के जिस एरिया में पल्लाज थे उनको हराया द डिफ़िट ओके तो द डिफिट पलवा किंग्स एंड अदर लोकल रोलर्स दे बिल्ट अ स्ट्रोंग नेवी नेवी क्यों देखो बेटा अगर आप लोग देखेंगे दोबारा से पीछे जो मैप दिया हुआ है तो आपके बुक में उसमें क्या है कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर देखेंगे आप कोस्टल एरियाज़ हैं तो इन कोस्टल एरियाज़ से कोई भी अटैक ना कर दे तो इसलिए नेवी नेवी कौन सी से सेना होती है जो जिसको हम जल सेना बोलते हैं है ना तो अगर हम लोग अपनी इंडियन आर्मी की भी बात करें तो उसमें तीन हमारी सेनाएं हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्मी जो थल सेना होती है यानी जो ज़मीन पर रहकर दुश्मनों से लड़ती है नेवी जो पानी के रास्ते से अपने देश की सुरक्षा करती है और एयरफोर्स जो वायु सेना होती है यानी जो एयरप्लेन के थ्रू हवा में रहकर ताकि कोई एयरप्लेन के थ्रू हमारे कंट्री पर अटैक ना करे तो वहाँ से जो है हमारे देश की रक्षा करती है तो इस तरीके से क्योंकि अब ये कोस्टल एरियाज़ के पास थे तो इन्होंने क्या किया अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया दे बिल्ट अ स्ट्रोंग नेवी एंड इवन कंकड़ श्रीलंका देखो श्रीलंका हम सबको पता है कि इफ़ दिस इज़ इंडिया तो यहाँ पर श्रीलंका है तो उस समय उन्होंने श्रीलंका को भी क्या कर लिया था अपने ऊपर कब्जा कर लिया था अर्लिया साइलोन ये जो है श्रीलंका का पुराना नाम है साइलोन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स एंड लक्षदीव्स एंड हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ़ इंडियन कल्चर टू फॉरन कंट्रीज़ देखो बेटा हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है किस किसने हमारे देश पर अटैक किया लेकिन बहुत कम इंफॉर्मेसन मिलती है हमारे जो आ, ऐसे महान राजा हुए थे हमारे कंट्री में जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर Uh, अपना रूल भी किया और वहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर को स्प्रेड भी किया तो चोला इज़ वन ऑफ़ देम जिसने कि जि, जो कुछ हमारी नेबरिंग साउथ इंडियन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा भी किया रूल किया और साथ साथ में वहाँ पर उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को फैलाया भी स्प्रेड भी किया वहाँ पर जैसे श्रीलंका हो गया मालदीव्स हो गया फ़िलिपइंस हो गया इन सब पर जो है चोला डानेसटी ने क्या किया था रूल किया था चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेल्लोर टू पुदुकोटा एंड मैसोर टू मद्रास ये जो है इनके एरियाज दिए गए हैं नेल्लोर जो है आपको आंध्र प्रदेश में है बेटा पुदुकोटा नीचे तमिलनाडु में है एंड मैसोर से लेकर चेन्नई है आपका अगेन इन तमिलनाडु तो इन सभी एरिया में जो है यहाँ से ले यहाँ तक क्या फैला हुआ था चोला किंगडम या चोला जो एम्पायर है दैट वॉज एक्सटेंडेड The founder, who was now who was the founder of Chola Empire, the founder was Vijayalaya, who defeated Pallavas. His grandson Prantaka, उसके पोते ने प्रांत जिसका नाम था प्रांत का वन डिफेटेड द पांड्या किंग्स ऑफ मदराए एंड रूल्ड ओवर फोर्टी सिक्स ईयर्स तो देखो इस चोला वंश की अगर हम लोग बोले शुरुआत शुरुआत किसने की शुरुआत की इसकी विजयालया ने और आगे चल के जो भी रूलर्स आए उन्होंने इस साम्राज्य को और बढ़ाया जिसमें से यहाँ पे मेंशन किया गया प्रांतका के बारे में प्रांतका ने क्या किया पांड्या जो रूलर्स थे उनको हराकर और मदुराई में उसने फोर्टी सिक्स जो है रूल किया द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राजा अब देखो सबसे ज़्यादा इस एम्पायर ने इस किंगडम ने कब ग्रो किया जब इसका राजा कौन था राज राजा ठीक है राज राजा वन जिसने रूल किया वन थाउजेंड ट्वेल्व टू वन थाउजेंड फोर्टी फोर तो इसके टाइम पे जो है ये किंगडम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना इट इट हैड बिकम अ सुप्रीम पावर ही अ पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट फॉर फोर्टीन ईयर्स एंड कंकट द चालुक्य किंगडम ऑफ वेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुराई ही ऑल्सो बिल्ट द फेमस टेम्पल राजेश्वर एट तंजोर देखो आपको ये जो मंदिर नज़र आ रहा है ना पिक्चर में दिस इज देंपल विच वॉज बींग बिल्ट एट द टाइम ऑफ राजा और इस टेम्पल uh, का नेम भी क्या है राज, राजेश्वर टेम्पल और ये कहाँ पर है बेटा इट इज एन इट इज़ एट तंजोर द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपेक्ट हिस्स कंटेक्ट कंक्वेस्ट और इस मंदिर की दीवारों पर उन्होंने जो है जितने भी युद्ध लड़े जितने भी उनको ही वन ऑल दॉर्स वो एरिया जहाँ जहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़े और जीते उन सब के बारे में जो है इनके दीवारों पर इट इज़ मैंशनड अब देखो हमने अभी इनके किंग के विजयालया और प्रांत का है ना तो ये जो है ऊपर जो आपको इमेज दिख रही है ही इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी विजयालया एंड जो नीचे वाली इमेज है बेटा हेज प्रांत का वन जो कि विजयाला के ग्रैंड सन थे और इनके फादर का क्या नाम था आदित्य चोला यानी विजयाला के बेटे का नाम आदित्य चोला और उनके जो ग्रैंड सन थे वो थे प्रांत का वन अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे लिए चोला डायनेस्टी हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड देखो चोला वंश एक ऐसा वंश था जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय पर कहीं पर शासन किया पूरे वर्ल्ड में ये ऐसे डायनेस्टी है इज़ वन ऑफ दी ऐसे डाइनास्टीज में से एक है दे रूल्ड फ्रॉम थर्ड सेंचुरी टू नियरली थर्टीन सेंचुरी थर्ड सेंचुरी से लेकर थर्टीन सेंचुरी तक जो है इन्होंने रूल किया तो थर्ड सेंचुरी सेंचुरी बेटा आपको पता है कि हंड्रेड को हम बोलते हैं तो थर्ड सेंचुरी फोर्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी करते करते थर्टीन तो यू कैन इमेजिन कितने ईयर्स तक कितने लंबे समय तक जो है चोला डायनेस्टी ने रूल किया है बट हमें ऐसी जानकारी जो है बहुत कम देखने को मिलती है एंड इट इज़ रियली समथिंग अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमारे हमारे अपने देश में कोई ऐसी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने हज़ारों सालों तक रूल किया है ना दे रूल्ड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड इवन फिलिपाइंस एंड मालदीवस देखो ये वो रूलिंग डायनेस्टी uh, थी जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी इन्होंने रूल किया और वहाँ पर जो है हमारे इंडियन कल्चर को स्प्रेड किया जैसे इंडोनेशिया फ़िलिपाइंस मालदीव श्रीलंका भी इसमें है हमने पढ़ा था और अभी हमने किया था कि इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला फैला हुआ था तो वी हैड सीन दैट इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम नेल्लोर टू पुदिकोटा एंड माइसोर टू मैड्रास तो आओ यही चीज़ हम मैप में देखते हैं बेटा ध्यान से देखेंगे आप दिस इज़ द मैप ये नॉर्थ में नेल्लोर से तो आप देखेंगे दिस इज़ आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये है नेल्लोर और साउथ में पुद्दी तक है बेटा तो पुद्दी जो है वो यहाँ पर है इस जगह पे, सो हेयर इज़ पुद्दी कोटा तो ये नॉर्थ में नल्लोर से लेकर साउथ में पुद्दी कोटा तक जो है इनका शासन था एंड वेस्ट में मैसूर ये पिंक शेड आप देख रहे हैं दिस इज मैसूर इन कर्नाटका टू चेन्न मद्रास मद्रास को हम आज के समय पे क्या कहते हैं चेन्नई बोलते हैं बेटा और ये कहाँ पे है तमिलनाडु में तो नॉर्थ टू साउथ नल्लोर टू पुद्धिकोटा और वेस्ट टू ईस्ट ये मैसूर से लेकर मद्रास तक जो है इन इन्हीं का शासन था इन्हीं का राज था और हमने पढ़ा था कि राज राजा ने कहाँ पर मदुराई में यानी इस एरिया को भी राज राजा ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था और है यहाँ पर पहले कौन थे पांड्यास थे पांड्या रूलर्स थे लेकिन राज राजा ने क्या किया इस एरिया पर भी अटैक करके उसको जीत कर और यहाँ पर उसने कितने ईयर्स तक फोर्टी सिक्स ईयर्स तक ही रूल्ड इन दिस एरिया ओके आई होप बेटा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये क्लियर हो गया होगा राजा वन व सक्सीडेड बाई हिज सन राजेंद्र चोला तो ऑफकोर्स राजा के बाद जो है उसका बेटा आया शासन में रूल में वो रूल्ड फॉर ट्वेंटी एट ईयर्स ही एक्सपेंडेड टेरेटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आईलैंड सुमात्रा मलाया पेगू ही ही डिफेटेड द पाला किंग्स तो जो पाला किंग्स uh, के जो राजा थे एट बिहार एंड बेंगाल देखो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ भी बढ़ गए तो देखो कितना सारा एरिया जो है इस डायनेस्टी ने कवर किया और कितने लंबे समय तक जो है इन्होंने शासन किया एंड दे रूल्ड ओवर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज ऑल्सो ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कौंडाई मतलब विक्टर ऑफ गंगा विक्टर जीत जीतने वाला विजयी और गंगा गंगा नदी का नाम है तो जो बिहार और वेस्ट बंगाल बिहार और बंगाल का जो एरिया बेटा वहाँ पर गंगा नदी बहती है हम सब जानते हैं तो क्योंकि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में गंगा के आसपास के एरिया को भी अपने अंडर में लिया अपने रूल में लिया अपने कंट्रोल में लिया इसलिए इनको विक्टर ऑफ गंगा यानी गंगाई कौंडाई भी बोला जाता है किसको राज राजा के बेटे राजेंद्र चोला को हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा राजेंद्र चोला की कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्स लेट टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट ट्वेल्व सेवेंटी नाइन सी द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर गेव द फाइनल ब्लो टू चोला डायनेस्टी लेकिन हर वंश में हर बार हम लोग जो है इतिहास पढ़ते आए हैं हिस्ट्री पढ़ते आए हैं क्या होता है कि कभी ना कभी जब तक सक्सेसर्स आगे चलते हैं एक राजा के बाद उसका बेटा बन गया उसका भाई बन गया जो भी है तो लेकिन होता क्या है ये शासन के चक्कर में कि मुझे राजा बनना है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं इंटरनल ही जो नेक्स्ट सक्सेसर्स होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं किस चीज़ के लिए राजा बनने के लिए और इसी तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये डायनेस्टी धीरे धीरे क्या हो गई आने वाले समय में कमज़ोर हो गई और फाइनली जब एक हिंदू किंगडम आया विजयनगर में उसने जो है इस डायनेस्टी को पूरे तरीके से क्या कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया डू यू नो देखेंगे बेटा राजेंद्र राज राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल द किंग्स परफॉर्म्ड अश यजना टू सेलिब्रेट द कंकेस्ट देखा राज राजा के बारे में हमने पढ़ा था जिन्होंने मदुराई को विन किया था उन्होंने क्या किया वेदाज की इंफॉर्मेशन वेदा वेदों का ज्ञान हम सब जानते हैं बेटा ये हमारी धार्मिक किताबें हैं ठीक है फो चार जो है हमारे वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तो उन्होंने जो है इन चारों वेदों के बारे में लोगों को बताया और लोगों तक इनके इनका जो ज्ञान था वो लोगों तक भिजवाया ठीक है ताकि लोगों को भी इन सब के बारे में पता चल सके और उस समय क्या होते थे अश्वमेध यज्ञ आप सब ने सुना होगा आई होप अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्योंकि श्री राम जी ने भी जो है रामायण के बारे में आप सबको पता है रामायण की स्टोरी आपको सबको पता है तो श्री राम जी ने भी अपना एक अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व अश्व मतलब घोड़ा है ना तो वो क्या करते थे यज्ञ में, में बेटा कि अपना एक हॉर्स छोड़ देते थे और वो जिस भी एरिया में जाता था अगर और उसके आगे ना उसके फोरहेड पे एक रिटर्न वो लगा दिया जाता था कि अगर तो इस घोड़े को आप रोकोगे किसी भी राजा के वो एरिया में एंटर कर गया घोड़ा अगर उसको रोका गया तो उस राजा को क्या करना पड़ता था जिसका घोड़ा होता था उससे युद्ध करना पड़ता था और अगर वो घोड़े को उन्होंने वहाँ से पीसफुली जाने दिया इसका मतलब कि वो राजा जो है दूसरे राजा की क्या कर रहा है एक तरीके से उसका आ, हम कह सकते कह सकते हैं उनकी ग़ुलामी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो अब वो एरिया उनका हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही चोलास भी क्या करते थे स्पेशली वो लोग भी अश्वमेध यज्ञ कहाँ कहाँ करवाते थे जहाँ जहाँ भी वो लोग जीतते थे तो इस तरीके से वो लोग भी अश्वमेध यज्ञ को का आयोजन करवाते थे इनको कंडक्ट करते थे देखेंगे आप इन्हीं दोनों राजाओं के बारे में हमने अभी पढ़ा है ये है राज राजा जिन्होंने मदुराई को विन किया था और ये है राजेंद्र चोला इनके बेटे ठीक है ये कौन है राजेंद्र चोला जो कि राज राजा के बेटे थे नेक्स्ट इज आवर डायनेस्टी दैट इज पांड्या द पांड्याज द किंगडम ऑफ पांड्याज सॉरी बेटा यस द किंगडम ऑफ़ पांड्याज वॉज इस्टेब्लिश इन द सेवनटीन सेंचुरी सी ई दे रूल्ड ओवर मदराई तिरुनुवेली एंड पार्ट्स ऑफ ट्रेवकोर तो ये वो एरियाज थे तमिलनाडु के जहाँ पर कि पांड्या डायनेस्टी ने क्या किया रूल किया ये बिल्कुल जो है सदन पार्ट आ जाएगा बेटा हमारे इंडिया का तमिलनाडु जो है हमारे साउथ में है इट इज़ रेप्यूटेड टू बी द मोस्ट एंशियंट ऑफ द तमिल स्टेट्स कंदन स्टार्टेड स्टार्टड द पांड्या रूल तो ये रूल शुरू किसने किया था कंदन ने और उनके जो बेटे थे हिस्सन मरुवर्मन अवानी सुलमानी केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द पलवाज तो इनके किन के साथ डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए पलवाज के साथ ही अलाइन विद चोलाज एंड डिफेटेड दी पलवाज तो इन्होंने चोलाज के साथ मिलकर क्या किया चोला के साथ इन्होंने हाथ मिलाया और किसको हराने के लिए पल्लवाज को हराने के लिए द पांड्यास कैरिड ऑन फ्रिक्वेंट वॉर्स विद श्रीलंका इन द इलेवेंथ सेंचुरी दे व कंपेल टू सबमिट द सुप्रीमेसी ऑफ द माइटी चोलाज बट इन दर्टीन सेंचुरी दे एसर्टेड दे इंडिपेंडेंस अगेन तो देखो हमने अभी पीछे चोला के बारे में पढ़ा और हमने सबने क्या पढ़ा था कि चोला जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग पा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डायनेस्टी थी तो कहीं ना कहीं इलेवेंथ सेंचुरी में बेटा इन्होंने भी क्या किया इन्होंने भी चोला डायनेस्टी के सामने अपने घुटने टेक दिए एंड दे एक्सेप्टेड दैट यस यू आर द सुप्रीम पावर उन्होंने उनकी सुप्रीमेसी को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जब कुछ समय के लिए वो उनके जो है गुलाम रहे लेकिन अगेन इन थर्टीन सेंचुरी दे एसटेड दे इंडिपेंडेंस अगेन उन्होंने फिर से जो है क्या की अपने आप को आज़ाद करवाया जलवर्मन सुंदर पांड्या हो रूल फ्रॉम और ये किसके उससे हुआ ये हुआ जो पांड्या राजा थे जलवर्मन क्या नाम था जलवर्मन सुंदर पांड्या एंड ही रूल फ्रॉम 1251 फिफ्टी वन टू ट्वेल्व सेवेंटी टू ग्रेजुअली द पांड्याज बिकेम द लीडिंग पावर इन दी साउथ इंडिया और धीरे धीरे ये भी क्या होने लगे एक पावरफुल जो है डायनेस्टी uh, के रूप में उभर कर सामने आए आफ्टर द विच किंग आफ्टर वर्मन क्योंकि सबसे पहले तो उसने चोला से अपने आप को अपने डायनेस्टी को आज़ाद करवाया और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने डायनेस्टी को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली अ सिविल वॉर ब्रोकआउट अमंग अ नंबर ऑफ कंटेंडर्स टू थ्रोन विच सील द फेट ऑफ दिस किंगडम The Muslim invaders plundered and looted the kingdom and made it इट In the दिक्कसटीन century, the Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of Vijayanagar. लेकिन हुआ क्या कि वही बात आ गई जैसे हमने चोलास डाइनेस्टी में देखा था राष्ट्रकोटास में देखा था सभी जो है वंश थे उनका सबसे जो मेन कारण रहा था वो थे उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी क्या हुआ सिविल वॉर हुआ सिविल वॉर होता है बेटा जब कोई बाहर का हमारे देश पर अटैक ना करके इंटरनल डिस्प्यूट हो जाते हैं बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द रूलर तो जब लोग ही या राजा के लोग चाहे वो प्रजा हो गई या जो उसके अंडर जो उसके महल में ही काम करने वाले उनके मंत्री हो गए हुए वो क्या हुए वो सब कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट हो गए इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ गए और इस तरीके से ये किंगडम जो है धीरे धीरे क्या होने लगा ख़त्म होने लगा और इसका फाइनल एंड कब आ गया फिर उसके बाद क्या हुआ जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे कुछ मुस्लिम मुस्लिम्स ने भी देखो अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो बाहर वाले तो क्या करेंगे फ़ायदा उठाएंगे तो मुस्लिम लीडर्स ने फ़ायदा उठाया मुस्लिम इन्वेडर्स ने क्या किया इनके ऊपर अटैक किया लूटना शुरू कर दिया तो इससे ये और ज़्यादा कमज़ोर हो गए एंड फाइनली सिक्सटीन सेंचुरी में क्या हुआ सिक्सटीन सेंचुरी में द पांड्या किंगडम वॉज अब्जॉर्ब इन द किंगडम ऑफ विजयनगर तो हमने पीछे भी देखा था कि विजयनगर में जो है एक हिंदू किंगडम आया था जिसने चोला डायनेस्टी को भी क्या कर दिया था पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था तो जिसने चोला डायनेस्टी जो कि इतनी पावरफुल थी उसी को हरा दिया तो फिर जो पांड्या का हमने देखा है यहाँ पे तो कितनी ये जो है वीक हो चुकी थी डायनेस्टी तो धीरे धीरे क्या हुई इनको भी किस में मिक्सअप कर दिया विजयनगर किंगडम में तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर आज की क्लास जो है हमारे यहाँ पर फिनिश होती है विल कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन विच विल स्टडी अबाउट द गवर्नेंस इन साउथ इंडिया इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे